छठ या किसी भी त्योहार में बनने वाले खस्ता यानी कि ठेकुआ बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा, 1 पाव सूजी, आधा किलो चीनी जिसमें हमने छोटी हरी इलायची को डाल करके पीस लिया है, ये देसी घी, इससे हम खस्ता को मोयम करेंगे, ये सौंफ दाना, इससे इस खस्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद हो तभी डालिएगा, और ये कुकिंग ऑयल। खस्ते को तलने के लिए आप इसके जगह देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम इस देसी घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे जिससे ये मेल्ट हो जाए। गर्म करने पर ये घी इस प्रकार मेल्ट हो गया है। अब हम मैदे के बीच में इस सूजी को डालेंगे और इस सूजी के बीच में हम इस मेल्ट घी को डालेंगे। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मोयम करेंगे। और इस सौंफ को दरदरा पीस लेंगे। इसे हमने हल्का सा दरदरा किया है, इसे हम चाहे तो हाथों से मसल के भी इसे हमने हल्का सा दरदरा किया है इसे हम चाहे तो हाथों से मसल के भी डाल सकते हैं। और इधर ये अच्छे से मोयम हो गया है और अब इसमें हम इस सौंफ को डालेंगे और अब इस शुगर पाउडर यानी कि चीनी को डालेंगे। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हल्का गुनगुना पानी डाल करके इसे गूथेंगे। अगर आप इसे गर्मियों के दिनों में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी से भी गूथ सकते हैं। इस डो को हमें सख्त ही गूथना है इसलिए इसमें हम पानी को कम ही यूज करेंगे। ये डो गूथने के बाद थोड़ा नरम हो जाता है इसलिए हमने इसे रखा है, जिसे हम मिला करके फिर सख्त कर देंगे। यानी कि जो ठेकुआ बनाने के लिए मिक्सचर था उससे ही हमने ये डो सख्त बन के तैयार है। अगर ये नरम होगा तो इसमें हम इस मिक्सचर को मिला करके सख्त कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल को डालेंगे। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम इस डो से ठेकुआ को बनाएंगे। हम इसे अपने पसंद के किसी भी आकार में बना सकते हैं। इस पे डिजाइन बनाने का अलग अलग सांचा होता है, लेकिन आज हम इस पे फॉक्स से ही डिजाइन को बनाएंगे। अब हम इसे तलेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल को चेक करेंगे कि गर्म हो गया है या नहीं। ये गर्म हो गया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। एक बार तेल गर्म हो जाए तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाते हैं।
ये अब तल गया है, अब इसे हम ऑयल से अलग करेंगे। ये अब तल गया है, अब इसे हम ऑयल से अलग करेंगे। इसी प्रकार हम सारे को तल लेंगे। इसी प्रकार हम सभी ठेकुआ को तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा स्पेशल ये स्वादिष्ट ठेकुआ बनके तैयार है। तो इस प्रकार हमने छोटे बड़े कई साइज के ठेकुआ यानी कि खस्ता को बना लिया है। मैं इसमें से एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये ठेकुआ बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बना है। इस ठेकुआ को हम किसी भी पूजा पाठ या किसी यात्रा में जाते हैं तो बनाते हैं। ये ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता है और इसे हम महीनों दिनों तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल डिशेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।